रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत बिछिया नदी में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि मृतक सोमवार की रात घर से खाना खाकर बाहर टहलने के लिए निकला था, जिसकी मंगलवार की सुबह नदी में लाश मिली है। रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने 8 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। दो दिवसीय विंध्य के दौरे पर आए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रीवा शहर में मंगलवार की शाम 6:30 बजे से रोड शो किया। 2 किलोमीटर के रोड शो में केंद्र में मोदी और राज्य में शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। नाबालिग के साथ उसके घर के सामने ही छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में सतना की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। मेहर को जिला घोषित किए जाने के बाद अब सतना को संभाग बनाए जाने की मांग तेजी से उठने लगी है। इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता राजेश दुबे को मंगलवार को शहर के जगतदेव तालाब में जल समाधि लेने से पहले सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को शहडोल में आयोजित जनसभा में शामिल होने से पहले सतना पहुंचे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लग गई। बद इंतजामी देखकर राहुल नाराज हो गए और दोबारा प्लेन में जा बैठे। 2,500 रुपए की रिश्वत लेने वाले सहकारी निरीक्षक को पीसीएफ न्यायालय ने 4 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आम आदमी पार्टी की सिरमौर मऊगंज विधानसभा की सभा में शामिल होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चुराहट पहुंचे। भगवंत मान ने कहा कि इन लोगों ने प्रदेश की मिट्टी को बेच दिया, इन्होंने शहीदों के कफन के पैसे खा गए, इन्होंने पूरे प्रदेश में बेरोजगारी फैला दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन असल में वह झूठ की दुकान चला रहे हैं। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।